हेलो दोस्तों, रत्ना विजन में आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो ब्लॉग है टेक्निकल है और मोस्टली लोग अपने घरों में वाशिंग मशीन तो यूज़ करते हैं और आज के समय में मैनुअल कम यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक ज़्यादा से यूज़ करते हैं। तो ऑटोमेटिक मशीन में चाहे वो आपकी टॉप लोड हो या मतलब के फ्रंट लोड हो, वैसे आप जो दूसरी मशीन है उसको भी क्लीन कर सकते हो, जो जो अपनी सेमी आती है मशीन्स उसको भी इस प्रोसेस से क्लीन कर सकते हो। तो चलो बताता हूँ आपको। आपको पता मेरे पिछले वीडियो में मैं परचेज़ करके लेके आया था ये वाला पाउडर जो क्लीनिंग का है। इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, सिर्फ आप मैं परचेज करके आया हूँ उसके लिए आपको आगे बताते हैं। पहले मैंने गीज़र ऑन कर लिया है क्योंकि ये मेरी वॉशिंग मशीन है और इसमें हीटर नहीं है। और ये देख लीजिए, ये टॉप लोडेड है मशीन। एक ये बड़ी समस्या आती है घरों में, इतनी बार मैं रिपेयर करा चुका हूँ, देखो सारी जगह पर ना ये ऐसी ना गंदी सी सीलन आती रहती है। ये देखो पाउडर सा निकलता रहता है बीच में से, बहुत बार रिपेयर करा चुका हूँ। तो ये वाली मशीन है और यहाँ पे इसकी ऑप्शन है, और मैंने बता दिया था आपको कि ये अपना इसमें हीटर नहीं है और इसमें वाटर जो डालेंगे ना वो डालेंगे 60-70 डिग्री टेम्परेचर का। तो उसके लिए वो ऊपर गीज़र है, वो हो रहा है गर्म, पानी गर्म हो जाएगा तो फिर डालते हैं। और इसमें वैसे ऑप्शन दी होती है इको टब क्लीनिक की, ये एक रेगुलर क्लीनिक वाला होता है, लेकिन मैंने इससे नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये जो पाउडर लेके आया हूँ मैं, सारी अपनी वॉशिंग मशीन, डिश वाशर सब में यूज़ हो जाता है। और 150 ग्राम का पैकेट है, 200 रुपये बताया, लेकिन मेरे को 60 रुपये का मिला ये। तो इस बकेट में हमने सिर्फ आधी बकेट भरनी है, पूरी नहीं भरनी, 20 लीटर नहीं डालना है। तो इसको गर्म पानी भर के फिर मशीन में डालना है। तो इतनी बकेट मैंने भर ली है, अगर आपकी हीटर है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सीधा आप डाल के प्रोसेस कर सकते हो। काटो इसको, ये साइड से ऐसे काटते हैं, अपने हाथ मत कटवा लेना। वेरी गुड, इसको यहाँ पर नीचे फैला देते हैं, ठीक है जी। डल गया पानी, हमने सीधा इसमें डाल दिया, ये अंदर पानी चला गया विद केमिकल। तो अब हम इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद हम प्रोसेस करेंगे इसका, मशीन का जो प्रोसेस है वो आगे बताता हूँ। तो ऐसे करने से ना ज़्यादा क्लीन होती है, अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शन से करोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो रिजल्ट देने के लिए ये मेरा तरीका है, गर्म पानी डालो और इसको केमिकल को डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दो, तो कम से कम वो अपने रिजल्ट को काम कर लेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपने उसके हिसाब से किया, पाउडर तो चला जाएगा, मशीन वो पानी अपने हिसाब से लेवल से डालेगी तो पानी का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, फिर वो मतलब क्लीनिंगनेस नहीं मिलेगी। अब कम से कम वो सॉकिंग में रहेगा, सॉकिंग में रहने के बाद क्लीनिंग अच्छी रहेगी। पूरे आधे घंटे बाद देखते हैं, जब तक आधा घंटा नहीं होता तब तक हम पता क्या करेंगे। देखो ये ले ली कढ़ाई और इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्या तो डाल दिया, ठीक है। जैसे तेल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे ये क्या है, अजवाइन, जीरा, और मटेरियल क्या है, मटर, आलू, हरी मिर्च, प्याज, ठीक है जी, ये चारों का कॉम्बिनेशन। और साथ में क्या है, एंटरटेन, ये है चावल, इसको करेंगे फ्राई। तेल हो गया गरम, वाह क्या बात है, इसमें डालेंगे चलो, इसका हो गया काम। इसको देते हैं ढक और इसको कर देते हैं मिनिमम, हो गई नॉर्मल चल रही है, अब इसको भूल जाओ। अगर आपने कभी भी बढ़िया तरीके से खाने ना फ्राई चावल, कुछ भी बनाना है ऐसे, चाहे सब्जी भी ऐसे ड्राई बनाते हो, तो हमेशा पहले ऐसे ही प्रोसेस करो, कोई भी नमक मसाले नहीं डालने। जब ये पूरी तरह आपको लग जाए ना कि बन गए हैं, उसके बाद डालो और थोड़ी देर मसाले हल्दी डाल के उसको कर दो स्प्लैश, बस। आधा घंटा हो गया जी, तो चले अब देखते हैं वॉशिंग मशीन का अगला प्रोसेस क्या है। तो मशीन भी देखो बिल्कुल साफ़ है वैसे तो,
आपको बाहर से तो बहुत साफ लगती है क्योंकि हम इजी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये कपड़े धोती है इसलिए भी क्लीनिंग रहती है, क्लीन रहता है इसका टब वगैरह। लेकिन इसके अंदर जो गंदगी है ना वो देखते हैं, और देखो बाहर क्लीन है। अब देखेंगे मशीन जब अपना ये प्रोसेस करेगी पाउडर के साथ, उसके बाद यहाँ पर गंद निकलता मशीन के अंदर से कि नहीं निकलता वो हमने देखना है। हमेशा पीछे से बंद रखो, अब ऑन कर देते हैं। पानी भी ओपन है, खुला ही है। अब करना है असली काम, वो क्या मैं बताता हूँ। इसमें इको टब क्लीनिंग है, ये नहीं हमने करना है, ये पास लेकर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इससे ना ये सिर्फ एरर जब भी देती है मशीन तो सिंपल पानी के साथ प्रोसेस किया जाता है, लेडीज़ को इतना नहीं क्या कहते नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए ये बड़ा ऑप्शन दिया होता है कि जस्ट एरर आता है तो इसको प्रेस करके वो प्रोसेस चला देती है। हमने क्या करना है, हमने ये वाला चलाना है जीन्स वाला, क्योंकि जीन्स में क्या होता है कि हैवी वाला आ जाता है, हैवी मोड में मशीन जो घूमेगी ना जर्क जोर जोर से ऐसे करेगी, उससे क्या है कि आपके जो ड्रम के होल्स है ना उसमें प्रेशर से पानी जो है बढ़ेगा, तो उससे ज़्यादा क्लीनिंग में आपको पता लगेगा। तो चलो करते हैं पावर ऑन, इसने अपना बोल दिया मशीन ने, और हमें अब साइकिल चेंज करना है। इसमें जीन पर ले आए, ठीक है जी, अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब ये अपना टाइम लेगी जो भी है, इसने प्रोसेस ले लिया है। ये देखो नीचे आप दिख रहे हैं आपको, अभी ये पाउडर भी घुल गया, और देखो बीच में ब्लैक ब्लैक से कितने सारे निकल के आ रहा है गंद, वो सारा गंद इसमें कुछ नहीं था हमने, और ये गंद अंदर से नीचे से निकल के बाहर आ रहा है वो। और इस प्रोसेस में देखो कितने ज़ोर से झटका मार रही है मशीन। जब तक वॉशिंग मशीन अपना काम करती है हम इसको देख लें, हो गए लगा, अभी इसको हम चेक कर लेंगे आलूओं को, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए जी हो गए, वो और भी चेक कर लें, लो जी वेरी गुड, तो ये भी हो गया तैयार। उधर से मशीन अपना काम कर रही है और इधर से हम इसका भी काम कर रहे हैं। अब क्या डालेंगे, अब डालेंगे जो मैंने पहले बोला था बाद में सब कुछ। तो इसमें पहले क्या डालें, पहले हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, उसके बाद धनिया, धनिया ज़्यादा भी डाल सकते कोई चक्कर नहीं है, डाल दिया, और थोड़ी सी ये वो है इसे रंग वाली है कौड़ी नहीं है। उसके बाद क्या रह गया, मसाला भी थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद ये मेन हल्दी है, टर्मिक एंटीबायोटिक, तो ये चीज़ें हमने डाल दी। अब इसको एक बार धीमी आंच पे ही हमने ऐसे कर लिया, क्योंकि नहीं तो जल जाएगा मसाला, मसाला जलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसके पौष्टिक तत्व जो होते ना वो ख़त्म हो जाते हैं, मसाले के भी ख़त्म हो जाएंगे और ये बाकी सब्जी को भी ख़राब कर देगा। वैसे आपको देख के मुंह में पानी तो आ गया होगा ना, ऐसी ऐसे वैसे अकेली सब्जी भी खा लो तो कितनी बढ़िया लगेगी है ना, अगर परौंठी के साथ या फुलकों के साथ चपातियाँ बना लो, फुलके पंजाबी में बोलते हैं, चपाती हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये है हमारे चावल, और अब इनको सबको डाल देंगे, ऑलरेडी इसमें काफ़ी कुछ डला हुआ था लेकिन हमने फिर और डाल दिया, ठीक है जी। लीजिए दोस्तों ये तो काम हो गया इस तरफ का, इसको अब ढक देते हैं, थोड़ी देर गर्म होता रहेगा, बाद में हो गया तैयार, इसका तो काम ख़त्म। अभी एक और काम करना है, इसको पोज कर देंगे हम यहाँ से, इसको पोज करके खोलना ढक्कन, नहीं तो एरर देगा। देखो देखो कितनी गंदगी है अंदर से निकली। अब क्या करेंगे, ये टेप करके और ये साइडों को, इन साइडों को भी हम साफ करेंगे। ये देखो ये वो कितना गंदी है ना, ये देखो अभी साफ करेंगे। तो ये देख लीजिए देख कैसे नीट एंड क्लीन होगी सारी सारी नीट एंड क्लीन होगी, और नीचे देखो पानी में कितना गंद है। अब इसका ढक्कन लगाते हैं वापस और इसको दोबारा से करते हैं स्टार्ट। मैंने एक चीज़ करना भूल गया था, ये हमेशा फ़िल्टर भी निकाल लेना है, फ़िल्टर को लगे नहीं रहने ना, क्योंकि हम कपड़े नहीं धो रहे ना, मेरे इसमें सारा ये देखो फंस गया इसमें आके, तो ये नीचे निकल जाएगा।
अब मैंने वहाँ से जहाँ से फिल्टर निकाला वो देखो कैसे पानी आ रहा है ऊपर ऊपर को, ये देखो ऐसे से आपको करेगा अंदर से। ऊपर गर्मी पता कितनी चल रही है आजकल, 31 डिग्री हो गया, अब शुरू हो गया बुरा हाल होना। लीजिए इसका एक प्रोसेस पूरा हो गया, अभी नीचे देखते हैं ड्रेन पे क्या गंद निकलता है। ये देखिए तो दोस्तों देखा आपने कैसे गंद निकला मशीन से, और ये गंद जो है ना इस पाउडर से क्यों करना पड़ता है, इससे ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्मेल नहीं आती, दोबारा से आप वाश करोगे कपड़े जब भी तो उसमें स्मेल नहीं आएगी, दूसरा जो नीचे गार जम जाती है ना जिसको वो बोलते हैं रुई वगैरह बुर्ज होता है, प्लस साबुन का चिकनापन हो गया और डस्ट हो गई, तीनों का मिलकर एक चिकना सापन हो जाता है, वो आप डार्क कपड़ों में देखो वाइट वाइट सी लाइन बन जाएगी, तो वो पूरी लाइन ऐसे बन जाती है, उसको साफ़ करना फिर मुश्किल हो जाता है, उसको दोबारा से वो गीले कपड़े से रब करना पड़ता है, तो वो चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे कपड़े डालोगे साफ सुथरे वैसे ही आपको मिलेंगे बिल खुशबू के साथ। तो इसी ब्लॉक को करते हैं बंद।